शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर अंडरवर्ल्ड के डॉन करीम लाला से इंदिरा गांधी मिलने आती थी पर कांग्रेस भड़क गई है और उसने शिवसेना से कहा है कि इस बयान पर उसे पछताना पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस के रुख से घबराए शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई दी है कि करीम लाला पठानों के बड़े नेता थे, इसीलिए इंदिरा गांधी व अन्य राजनेताओं की उनसे मुलाकात होती थी। शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत ने कहा था कि इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड के करीम लाला से मिलने आती थी। संजय राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बयान पर देश में सियासी घमासान मच गया। संजय राउत ने कहा था एक समय मुंबई का अंडरवर्ल्ड बैंकॉक से भी ज्यादा ताकतवर था, यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी तब के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने मुंबई आती थी। करीम लाला के कहने पर मंत्रालय तय होते थे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा बेहतर होगा कि शिवसेना के मिस्टर शायर दूसरों की हल्की फुल्की शायरी सुनाकर महाराष्ट्र का मनोरंजन करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करना तो उन्हें पछताना पड़ेगा। उन्होंने जो बयान दिया है वो वापस ले, संजय निरुपम ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा। यह विडंबना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीतिक दुकान चलाने वाले शिवसेना उनके वंशजों से वंशज होने का सबूत मांग रहे हैं। यह इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक उद्दंडता है। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़े ने भी शिवसेना के बयान की आलोचना और ट्वीट किया कि इंदिरा गांधी सच्ची देशभक्त थी। बयान पर बवाल मचने के बाद इस मामले से डरे हुए संजय राउत ने सफाई दी और गुरुवार सुबह अपने बयान से यू टर्न ले लिया। राउत ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से ले लिया गया है। करीम लाला पठान समुदाय के बड़े नेता भी थे। पठानों की भलाई के लिए इंदिरा गांधी समेत तमाम नेता आपस में मिलते रहते थे। अब करीम लाला होता त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधुणीला, हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलंय। हे आता काही नाही, जी तुम्ही आता नावं घेताय, मग तो दाऊद इब्राहिम असेल बरं का, छोटा शकील असेल, शरद शेट्टी होता, हे सगळे लोक ह्याच्या हातामध्ये मुंबई आणि आसपासचा भाग होता, ते ठरवायचे मुंबईत काय होणार, पोलीस कमिशनर कोण होणार, मंत्रालयात कोण बसणार। हाजी मस्तान जेव्हा मंत्रालयात जायचे तो अख्खं मंत्रालय त्याला घ्यायला खाली यायचं, मी पाहिलेलं आहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।